हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से 2013 से लेके 2020 तक का रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन का टोटल प्रीवियस ईयर मैं लेकर आया हूँ। तो मैं अभी आप लोगों के लिए 2013 से लेके 20 तक का प्रीवियस ईयर करवाने आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 2015 का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो बर्ड्स के ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ ए नंबर ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को सॉल कहा जाता है। जबकि थर्ड में लिखा हुआ है ए स्लीपिंग रूम विथ सेवरल बेड्स इन एन इंस्टीट्यूशन, इसको कहा जाता है डॉर्मिटोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग चलते हैं 2016 में। तो 2016 में जो पूछा गया है, देखिए ये लिखा हुआ है ए कलेक्शन ऑफ एग्स, यानी एग्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो क्लच कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ ए नंबर ऑफ ड्रॉअर्स, ए नंबर ऑफ ड्रॉअर्स को चेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड को आर्चिपेलागो कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए गैदरिंग ऑफ डिसऑर्डरली पीपल, जिसको चोर कहा जाता है, सी एच ओ आई आर। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए स्ट्रीट ओपन ओनली वन इंड, यानी कि वैसा स्ट्रीट जो सिर्फ क्या करेगा, एक इंड पे खुलेगा, उसको क्या कहा जाता है, कूल डी सेक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 2017 में। तो 2017 में देखिएगा लिखा हुआ है ए किचन ऑन ए शिप, किचन ऑन ए शिप को गैली कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड इन ए इन्फोर्स द लॉ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं ए नंबर ऑफ स्पाइडर्स, इसको क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ फोर में क्वेश्चन ए नंबर ऑफ स्नेक्स लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, ये भी मैंने छोड़ रखा है, तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करेंगे, नहीं तो इसका आंसर कॉमेंट में पिनअप किया हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ ओल्व्स, इसे क्या कहा जाता है, तो ए नंबर ऑल्व्स को पेक कहा जाता है, पी ए सी की पेक कहा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 2018 की ओर। तो 2018 में जो दिया गया है ए पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइन, यानी कि वैसा आदमी जो क्या करता है कि क्वाइन को कलेक्ट्स करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। और हम लोग आगे देखेंगे लिखा हुआ है ए पर्सन एडिक्टेड टू एल्कोहल, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डिप्सोमैनिक। क्या कहा जाता है? डिप्सोमैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए स्मॉल बोतल फॉर होल्डिंग सॉस, इसे कहा जाता है क्रुएट कहा जाता है, सी आर यू आई ई टी, सी आर यू ई टी, क्रुएट कहा जाता है। नेक्स्ट 2000 हम लोग चलते हैं 19 में। तो 2019 में जो पूछा गया है, देखिए लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ ईगल्स इज कॉल्ड, यानी कि बीगल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो उसके ग्रुप को कॉन्वोकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ कैटरपिलर्स, तो ए नंबर ऑफ कैटरपिलर्स को आर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ कैट्स, जिसे क्लटर कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में जो होता है कि क्लाउडर होता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ व्हेल्स, नंबर ऑफ व्हेल्स को हम लोग पॉड भी कहते हैं, हर्ड भी होता है, या तो स्कूल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ मल्स, मल्स का मतलब होता है खच्चर, खच्चरों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पैक भी लिख रखा है, स्पॉन भी लिख रखा है, और बेरन भी लिख रखा है, तो ज़्यादातर आपके ऑप्शन में मिलने के चांस हैं बेरन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चंस को देखने से पहले हम एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दो तीन दिन से आप लोगों का वीडियो जो आ रहा होगा, ठीक है, उसमें से आपके क्वालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट के वजह से हो गया ऐसा प्रॉब्लम, तो हम लोग नेक्स्ट डे से उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं 2020 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ जेब्रा, जिसको क्या कहा जाता है, डेजलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ फिश काउट इन नेट, यानी कि वैसा मछली जिसको जाल के थ्रू पकड़ा जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हाउल कहते हैं, एच ए यू एल, हाउल कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, तो इसको क्या कहा जाता है, ए नंबर ऑफ बटरफ्लाइज को हम लोग स्वार्म कहते हैं,
या तो रेवेल कहते हैं, आप अपने ऑप्शन के अनुसार दीजिएगा, या कैलेडी स्कोप भी कहा जाता है या फ्लटर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ ए नंबर ऑफ लियोपार्ड, इसको क्या कहा जाता है, लिप कहा जाता है, LEAP लिप कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ लॉकटस, क्या लिखा हुआ, ए नंबर ऑफ लोकस्टस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो हो जाएगा आपका स्वार्म आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 2013 की ओर, 13 में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ पैरोट्स। तो देखिए ये जनरली जो है कि आपके वर्ड्स की गिनती में आते हैं, इसलिए इसके झुंड को क्या कहा जाता है, फ्लूक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ स्नैक्स, जिसे हम लोग पिट कहते हैं, ये आपका रिपीटेशन बहुत बार हो चुका है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं ए नंबर ऑफ कैमल्स, जिसको फ्लूक कहते हैं, या कैमल्स के झुंड को कारवा भी कहते हैं, आप अकॉर्डिंग दीजिएगा ऑप्शन के, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ द होम ऑफ लायन, लायन के घर को क्या कहा जाता है, तो डेन, डेन का मतलब माउंड होता है। नेक्स्ट आज का और अंतिम सवाल, इनक्लोजर फॉर हॉर्सेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडॉक कहते हैं, और ये पेडॉक जो होता है क्या होता है कि वैसा जगह जहाँ पे क्या किया जाता है, हॉर्सेस को घुड़सवारी के लिए लाया जाता है, वैसे जगह को हम लोग पेडॉक कहते हैं। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अस्तबल मिलेगा तो अस्तबल को टिक मत कीजिएगा, क्योंकि अस्तबल जो होता है हॉर्सेज के रहने के लिए हाउस होते हैं, जैसे यहाँ से द होम ऑफ लायन इज कॉल्ड डेन, सो इट इज़ क्या हो जाएगा, यहाँ से द होम ऑफ हॉर्सेज के लिए अस्तबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो अगर पसंद आया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम 10 से 20 सब्सक्राइबर कमी है 3K होने में, जल्द से 3K को पूरा कीजिए।